कहीं से लग रहा है ये सरकारी हॉस्पिटल है। पहले देखिए न्यूजीलैंड का सरकारी हॉस्पिटल है, कितनी अच्छी व्यवस्था है ये यहाँ का छोटा सा। तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पी के न्यूजीलैंड के ऊपर। अभी यहाँ पर न्यूजीलैंड के अंदर अराउंड मॉर्निंग के 10 o'clock होने वाले हैं। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूँ, दे दीजिए गुड न्यूज़ कि हमारे घर पर एक बेबी बॉय का जन्म हुआ है, उसका नाम हमने रुद्रा जटेंड रखा है और अभी वो हॉस्पिटल में है, वो उसकी मम्मी। तो अभी मैं हॉस्पिटल में जा रहा हूँ और उनको देखो, आज अगर छुट्टी मिल जाएगी तो अच्छी चीज़ है, ये तो डेफिनेटली कल उनको छुट्टी मिलेगी। बट मेरा ये वीडियो बनाने का एक मकसद तो ये है कि मैं अपने बेबी की पहली वीडियो बनाता हूँ कि कैसे हम उसको हॉस्पिटल से घर लेके आए थे, एंड द सेकंड कि मैं आप लोगों को यहाँ का एक सरकारी हॉस्पिटल दिखाता हूँ कि यहाँ पर एक सरकारी हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज़ है और कितना साफ़ सुथरा होता है नहीं होता है। तो आप वीडियो को ज़रूर देखिए, आप सभी लोगों को पता लगेगा कि देखो कि एक सरकारी व्यवस्था को कैसे रन किया जा सकता है और कितना वेल मैनेज तरीके के साथ वो चल रहा है। लो भाई, गाड़ी में बैठ लिए, थोड़ा सा सामान ले लिया उनके लिए और कुसुम की फेवरेट चाय, तो चाय लेके जा रहे हैं। कहते हैं कि चाय के बिना दिन की शुरुआत नहीं होती, क्योंकि भाई इंडियन लोग हैं, चाय पिए जिंदगी भर। तो चाय ले ली, कुछ कपड़े ले लिए बेबी के लिए, उसकी मम्मी के भी कुछ ड्रेसेस ले ली। ये ऑकलैंड शहर है, देख लो यहाँ की गलियाँ कैसे रबिश बिन रखे हुए हैं। आज रबिश का डे था तो रबिश कलेक्ट करने के लिए आज ट्रक आया हुआ था मॉर्निंग में, तो वो उठा के ले गए भाई। तो काफ़ी एक अच्छा प्रोसेस है यार यहाँ पर इन देशों में रहने का, इस कारण काफ़ी लोग हमेशा माइग्रेट होने की सोचते रहते हैं कि कैसे ना कैसे करके विदेश के अंदर हम शिफ्ट हो जाएं। और क्यों हो जाएं, क्योंकि रीज़न यही होता है कि वेल मेंटेन है, वेल सिस्टमेटिक ढंग से चला रखी है कंट्रीज, तो इस कारण काफ़ी लोगों को हमेशा से ड्रीम रहता है कि एनी हाउ कि एक अच्छे सिस्टम के अंदर इन हो जाए। तो आप देख लो कि आपकी आंखों के आगे ही है कि ऑकलैंड शहर है, ये बहुत बिजी शहर है देखे तो न्यूजीलैंड के अंदर, क्योंकि सबसे बड़ी पॉपुलेशन यहीं पर है, लेकिन फिर भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है। और भाई न्यूजीलैंड तो पूरा का पूरा नीट एंड क्लीन है, मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ, तो भाई न्यूजीलैंड बहुत सुंदर है। तो भाई खाइबर पास रोड है, जब आप साउथ साइड से आते हैं तो आपको खाइबर पास रोड का एग्जिट लेना पड़ेगा सिटी के अंदर एंटर होने के लिए। आगे दूसरी भी है, साइमन स्ट्रीट भी है, वो भी आपको सिटी के अंदर एंट्रेंस डालेंगे, लेकिन मेरे लिए खाइबर पास रोड क्लोज था तो मैंने इसको लॉक कर दिया। तो अभी देखो ट्रैफिक लाइट रेड मीन्स रेड, आप नहीं जा सकते। एक बार मैं इंडिया में था, मैं रोहतक में था उस समय, तो मैं ट्रैफिक लाइट तो रेड कलर था, मैं खड़ा हो गया, तो फिर क्या था, मैं अकेला खड़ा था और सारे गाड़ी चला रहे थे। फिर कुछ बोले चला ले, कोई नहीं रुकेगा। बड़े भाई अभी तो रुकने लग गया यार इंडिया के अंदर भी, इस बार मैं गया था इस हार के अंदर भी मैंने देखा ट्रैफिक लाइट के ऊपर लोग रुक रहे थे। मैं चंडीगढ़ में भी गया था प्रमोद की शादी में, तो ट्रैफिक लाइट पे हमने हर जगह गाड़ी रोकी और मैंने नहीं, दूसरे लोगों ने भी रोकी। तो अभी तो ये चीज़ों के अंदर काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है। और ये आ गया देखो ऑकलैंड हॉस्पिटल, ये भाई कम से कम मेरे हिसाब से तो 11-12 मंजिल तो है, अंदर लिफ्ट के अंदर तो लिखा हुआ है कि 13वीं मंजिल तक जाने का बटन दबाएं। तो मेरे हिसाब से तो 13 मंजिल है, तो अपने को तो जाना भाई बर्थ केयर यूनिट के अंदर जाना है, जहाँ पर कि कुसुम और बेबी रुद्रा वो अभी वहाँ पर रह रहे हैं। आज हमें छुट्टी मिलनी थी बट मुझे लग रहा है आज छुट्टी नहीं मिलेगी, कल छुट्टी मिलेगी। तो यार इन देशों के अंदर बड़ा स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, स्पेशली बर्थ के अंदर। अगर ये है यहाँ का कार पार्क, भाई पहले गाड़ी कार पार्क लगाएंगे, कार पार्क भी देखो बहुत महंगा है इन देशों के अंदर। एक गाड़ी कार पार्क का अगर यहाँ पर फुल डे लगानी है तो कम से कम $20 है, कम से कम 7 to 8 hours का। तो 7 to 8 hours का 21 है, मिनिमम कितना है भाई 15 to 30 मिनट के हैं $3.5, सो $3.5 देख लो आप भाई, 50 के हिसाब से कितने हो गए, कम से कम 170-180 rupees। तो जी ये है ऑकलैंड का हॉस्पिटल,
ऐसा दिखता है भाई एंट्रेंस इसका। तो एंट्रेंस के बाद आपको ये पब्लिक वेटिंग एरिया देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि कितना वेल मैनेज तरीके के साथ इसको मेंटेन किया गया है और काफ़ी इसका ध्यान रखा गया है। और आगे जाके आपको लिफ्ट लेके आप ऊपर के लेवल को एक्सेस कर सकते हैं। लिफ्ट लेने के बाद हम लेवल 9 पे पहुंच चुके हैं। लेवल 9 के ऊपर आपको फिर से एक छोटा सा वेटिंग एरिया देखने को मिल सकता है। यहाँ पर लोग जब भी कुछ जो नर्सेज अंदर काम कर रही हैं उनकी ब्रेक होती है वो यहाँ पर आके बैठते हैं। कुछ पब्लिक भी इधर बैठ जाती है जब उनको थोड़ी सी वॉक करनी होती है या पेशेंट लोगों को भी कभी कभी वॉक करनी होती है तो वो यहाँ पर आके बैठते हैं और सन को इंजॉय करते हैं। इन्होंने यहाँ पर हर टाइप की छोटी छोटी फैसिलिटी दे रखी है। सेपरेट रूम भी बनाए हुए हैं साइड में अगर आपको किसी से बात करनी है, और छोटी छोटी सीनरीज लगाई गई हैं वॉल के ऊपर कि हॉस्पिटल अच्छा दिखे, सुंदर दिखे, और आगे अगर कोई भी हमारी कंट्री को विजिट करे तो एटलीस्ट उसको ये लगे कि हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनको काफ़ी हमने वेल मेंटेन करके रख रखा है। तो आप देख सकते हैं, मैंने मेरे घर पे भी दिखाया था, सब कह रहे हैं कि ये तो एक तरह से 5-स्टार होटल लगता है। ऐसे लगता है कि ये हॉस्पिटल नहीं है, ये एक होटल है 5-स्टार। तो यहाँ पर इन चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखा जाता है, हेल्थ केयर का। नर्सेज, मिडवाइफ काफ़ी भाई इनके अंदर काफ़ी जॉब्स हैं नर्स के अंदर और मिडवाइफ के अंदर। मैं अभी आपको यहाँ का थोड़ा सा आउटसाइड का एरिया भी दिखाता हूँ। लेवल 9 से हम जहाँ पर खड़े हैं वहाँ से आपको ओकलैंड का शहर कैसे दिखता है। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ से आपको यहाँ की स्ट्रीट्स, यहाँ की ग्रीनरी, पेड़ पौधे कितने ज़्यादा हैं। कहीं से लग रहा है ये सरकारी हॉस्पिटल है पहली बात तो ये, और बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से हैं और बहुत ही नीट एंड क्लीन अंदर से। मैं छोटी छोटी क्लिप काफ़ी डाल ली हैं कि आप लोग देख सकें कि सरकारी हॉस्पिटल कैसे दिखते हैं। चलो अभी हम हॉस्पिटल के अंदर के रूम देखते हैं वो कैसे दिखते हैं। ये सिंक एरिया देखिए, बड़ा नीट एंड क्लीन, कोई भी आपको गंदगी नहीं दिखेगी। अब ये अंदर से वार्ड देखिए, कुसुम जी यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं विद बेबी रुद्रा। और आप इसके सराउंडिंग का एरिया देख सकते हो कितना वेल मेंटेन्ड है और बढ़िया क्लीन है और बहुत ही मतलब फैसिलिटेड है सब चीज़ें। यहाँ पर आपको बटन दबाओगे तो जब भी नर्स आ जाएंगी कोई ज़्यादा। और ये पड़ोस का वार्ड रूम है। अभी हम यहाँ का पब्लिक टॉयलेट देखते हैं जिसको कि हर कमरे के अंदर एक बनाया गया है। तो ये देखिए यहाँ पर इस टॉयलेट के अंदर आपको ईच एंड सिंगल एमरजेंसी चीज़ें आपको सब अवेलेबल मिलेगी। आपको ग्लव्स, हैंड टॉवल, आपको ऐसे लगता है कि जैसे 5-स्टार होटल के अंदर हैं। और ये सब फैसिलिटी एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्रोवाइड करा रहा है। ये मेरी तरफ से हेलो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, दिखाएं कि न्यूजीलैंड के गवर्नमेंट हॉस्पिटल कैसे होते हैं। ये इमरजेंसी बटन है और ये काम करता है। तो ये वीडियो देखो, बनाने का मकसद एक ही है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल दिखा रहा हूँ। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको आगे फॉरवर्ड करने की कोशिश करें। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का फूड का सिस्टम। तो देखो प्रॉपर मैनेज कर रखा फूड का सिस्टम। वेजिटेरियन पर्सन है तो पूरी डिटेल लिखी गई है क्या खाएगा, क्या क्या चीज़ें आई हैं। इवन सिंगल चीज़ को भी लिखा गया है कि सोल्ट एंड पेपर आया है, नहीं आया है, और ये सब्जी है, मिक्स बीन है विद अपने छोले प्लस बॉइल्ड वेजिटेबल है इसमें, और इसमें दही भी आई है। और ये देखो नाइफ एंड फोक, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे 5-स्टार होटल में बैठे हैं। ये लड्डू जो दिख रहे हैं ये हम इंडिया से लेके आए थे, जब हम इंडिया से आए थे तो ये लड्डू हमारे हैं। और अपार्ट फ्रॉम लड्डू सब कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने हमें। सो दोस्तों ये देखिए न्यूजीलैंड का सरकारी हॉस्पिटल है, कितनी अच्छी व्यवस्था है। ये यहाँ का छोटा सा किचन है और कितना नीट एंड क्लीन है, और फ्री सर्विस है, कुछ भी खा सकते हो आप। और देखो आइसक्रीम रखी हुई हैं, फुल फ्रिज, और आपको कंप्लीट फ्रिज मिलेगा भरा हुआ। तो भाई ये एक सरकारी हॉस्पिटल का सरकारी किचन है लेकिन साफ एंड सुथरा, और ये रबिश बिन भी देखो। तो ऐसे काम करते हैं। तो बस मैं ये दिखा रहा था
कि लोगों को लगे कि सरकारी व्यवस्थाएं भी ऐसे चल सकती हैं। तो ये कुसुम जी खड़े हैं, अभी हमें यहाँ पर बेबी रुद्रा हुआ है तो इस कारण अभी हम सरकारी हॉस्पिटल की सेवाएं ले रहे हैं। चलो अभी हम बर्थ केयर यूनिट का चक्कर काटते हैं। अभी ये देखो ओकलैंड हॉस्पिटल का कॉरिडोर है, तो कितना आपको क्रिसमस की डेकोरेशन दिख रही होगी सराउंडिंग में। और ये इसका कॉरिडोर है, कितना नीट एंड क्लीन है। और अभी हम यहाँ पर एक छोटा सा और किचन आ गया है, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि देखो कॉफ़ी माइलो और ब्रेड बटर सब कुछ और कप कुप सब फुल स्टॉक है। और ये मिल्क का छोटा सा फ्रिज है, फुली भरा पड़ा है। और किसको जितना मिल्क पीना है, कोई भी कितना मिल्क पी सकता है, कोई रोक टोक नहीं रहेगी इतना क्यों पी रहे हो। और इसको ऐसे मैनेज किया गया, और ये यहाँ पर गर्म पानी की व्यवस्था भी की गई है कि आपको अगर गर्म और कोल्ड दोनों मिला के कुछ पीना है आप आराम से पी सकते हो, कॉफ़ी बना सकते हो, टी बना सकते हो। तो काफ़ी अच्छी तरीके से ये सर्विस दी जाती है इन हॉस्पिटल्स के अंदर, और फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू सो मच, जस्ट टू शो समवन लाइक एटलीस्ट इन फ्यूचर समवन कैन हैव ए आइडिया दैट यू कैन बाय सम थिंग्स फ्रॉम द हॉस्पिटल। हायर देम टू। थैंक यू सो मच। को दिखाता हूँ यहाँ पर बर्थ केयर यूनिट में विजिटर रूम। तो आप यहाँ की क्लीनिंग, यहाँ पर सीटिंग प्लान, यहाँ पर टेबल चेयर आप अपनी आँखों से देख सकते हो कि कितने साफ सुथरे और वेल तरीके के साथ मैनेज करके ये एक विजिटर रूम बनाया गया है कि आप अपने पेशेंट के साथ आराम से मिल सको। चलो अभी मैं आपको बर्थ केयर यूनिट के बाहर का एरिया दिखाता हूँ। आप ये देखिए डोर्स ऑटोमेटिक खुलेंगे, और आप मेरा मेन टारगेट ये है कि आप लोगों को ये दिखाना कि यहाँ पर मैनेजमेंट कितना स्ट्रॉन्ग है। तो आप देखिए सब लॉबी है सब विजिटर के लिए, कोई फैमिली पर्सन इधर आए हुए हैं। ये देखिए अब मैं आपको नीचे से दिखाता हूँ, हम लेवल 9 के ऊपर हैं, नीचे से कैसा दिखता है। ये सारा का सारा ओकलैंड हॉस्पिटल का एरिया है, और काफ़ी पुराना हॉस्पिटल है और काफ़ी फंडेड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। वेंडिंग मशीन लगी हुई है। अभी मैं आपको एक एरिया दिखाता हूँ, उसका नाम है निकू। निकू का मतलब है नियोनेंटल इंटेंसिव केयर यूनिट, जहाँ पर प्री टर्म बेबी को रखा जाता है थोड़े समय तक कि वो अपने मेन फीड को ले सके। तो ये उसका डोर्स है, ये खुल जाएगा अगर आपको अंदर जाना है। तो अभी आप ये देखिए यहाँ पर लेडीज़ क्या करती हैं, ये सब फ्री में छोटी छोटी चीज़ें जैसे बच्चों के लिए कपड़े बना के इस बक्से में रख के जाती हैं कि किसी भी नीडी फैमिली को कुछ भी ज़रूरत हो तो इस बॉक्स में से कुछ भी उठा के वो अपने घर पे लेके जा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सो दोस्तों ये था गवर्नमेंट ओकलैंड हॉस्पिटल का एक छोटा सा टूर। अगर आपको ये टूर पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अपने फैमिली और दोस्तों को भी दिखाएं कि एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल कैसे दिखते हैं और उनको कैसे मैनेज किया जा सकता है और हम भी ऐसा बना सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में।